मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। और मेरे भाई का एक्सीडेंट, घर से बाइक लेके गया और साइड में स्कॉर्पियो ने मार दिया। उसके बाद BHU बनारस में एडमिट रहा 6-7 महीने, बाद ICU से बाहर आया। उसके बाद साल भर हॉस्पिटल में इलाज चला। उसके बाद मैं दिल्ली ले आया, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाया। फिर उसके बाद दिमाग का इलाज चलता रहा। बाकी यहाँ मैं सेक्टर 16 में फिजियोथेरेपी कराने के लिए आता हूँ। यहाँ नोकल एड्रेस पर मैं सेक्टर 9 झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, और वहाँ से मैं सेक्टर 16 में फिजियोथेरेपी कराने के लिए आता हूँ। फिजियोथेरेपी से थोड़ा ये कि शरीर की इसका मूवमेंट हुआ, डॉक्टर भी कहते हैं इसकी थोड़ी कराइए, एक्सरसाइज से द्वारा होगा, बाकी दवा चलती रहेगी, बाकी मूवमेंट के आधार पर होगा इसका जो भी होगा। ऐसा सब जो भी हो, दिमाग की ट्रीटमेंट कोमा के, एक तरह से कोमा ही है। जब तक ब्रेन काम नहीं करेगा उसके हिसाब से, बाकी तो अपने आप से मूवमेंट करते रहे। डॉक्टर का कहना कि ज्वाइंट बंद नहीं होना चाहिए इसका, बाकी एक्सरसाइज करते रहिए और टाइम पे जो भी करना, करवट बदलना, जैसे 150 घाव हुआ वो टाइम टेबल पे बने रखिए इसको, बेड पे लेटाना और उठाना बैठाना हर एक चीज़ करना, मतलब कि मूवमेंट करना। और बेड पे मूवमेंट करता है, हल्का से अपने शरीर को उठाता है, हाथ से अकड़ लेता है अपने आप को हाथ से, और चार आवाज़ मारने पे राइट एंगल साइड सब दिखता है चारों दिशाओं में। यानी मैं तो इतना भगवान से मानता हूँ कि बस ये बोल दे काफ़ी, मेरे लिए उतना काफ़ी है, बैठा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है।